जिले के आए हैं कि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाए और अखंड भारत की यज्ञ कराए। हिंदू राष्ट्र को लेकर आते आते बयान दे रहे तो हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा थोड़े। इसे हिंदू हिंदुस्तान हिंदुस्तान है ले तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो पाकिस्तान थोड़े बन जाएगा। जय श्री राम का नारा भी लगाना होता है तो सोचना पड़ता है। वो पूरा हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी हम खुल के बोलेंगे। हमारा हिंदू सनातन धर्म कभी नहीं झुका है और न झुकेगा और न कभी झुकेगी। नौबतपुर वही पाली मठ के पास मौजूद है जहाँ की बाबा का दरबार जो है वो लगा हुआ है और बाबा के दरबार में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है एक दिन का कथा सुनकर यहाँ आराम कर रहे हैं और लगातार चार दिन और चलेगा ये कथा तो लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, अपना अपना जगह पकड़े हुए और बहुत सारे लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करें कहाँ से आए हैं और क्या क्या अपना अर्जी लेकर और क्या उम्मीद से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जमुई से आए हैं, बिहार। जमुई से आए? हाँ, जमुई से आए हैं। कितना देर हुआ है वो? कल आए हैं। कल ही से हैं? कल ही से हैं। और कितना दिन रुकना है? हम लास्ट तक रहेंगे, 18 तारीख तक। 18 तारीख तक? हाँ, लास्ट तक। मतलब कंटिन्यू यहीं रहना है? हाँ, और मेरा आंटी लोग भी आई हुई है, परिवार के लोग भी? हाँ, आए हुए हैं सभी, मतलब भाई हैं, अभी लोग भाई है मेरा सब। अच्छा। हाँ। क्या अर्जी लेके आए हैं? अर्जी लेके आए हैं कि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाए और अखंड भारत की यज्ञ कराएं। मतलब हिंदू राष्ट्र में क्या रखा है? हिंदू राष्ट्र में बहुत चीज़ रखा है, सनातन धर्म का हित में बात करने की बात होगी और क्या। अच्छा। हाँ, तो बाबा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे? जरूर लग रहा है, जैसा बाबा का पॉपुलैरिटी दिख रहा है तो जरूर होगा हिंदू राष्ट्र। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है, क्या तैयारी करते हैं आप? हम अभी कर रहे हैं SSC का तैयारी। तो आप क्या बाबा से, अगर बाबा से मुलाकात हो गया तो क्या मांगिएगा? बाबा को मांगेंगे कि सबको सुखी रखे, सब हिंदुओं को सुखी रखे, सब सनातनियों को सुखी रखे और सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही प्रचार करते रहे। मुस्लिम को सुखी नहीं रखते? मुस्लिम को क्यों रखेंगे, जब हम लोगों के बारे में सोचता है जब हम लोगों के बारे में सोचेंगे। अच्छा। वो लोगों का तो दिमाग में कट्टरपंथी बात भरी हुई है। अच्छा। हाँ, चलिए, तो ये बाबा के भक्त हैं और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज जिला। गोपालगंज से आए हैं? अच्छा, कब आए थे? कल आए थे। कितना देर से रुके हुए? कल से रुके हैं। अच्छा, क्या उम्मीद लेकर आए हैं बाबा से? हम भी आए हैं, कब जो हिंदू राष्ट्र बनेगा कब बनेगा बाबा से यही पूछना है। मतलब ज़्यादातर युवाओं को यहाँ हिंदू राष्ट्र का चिंता जी। यस, जब हम अपने धर्म के बारे में इस बिहार में भी अभी हम पूरा खुल कर नहीं बोल पाते हैं। हाँ। अपने माने कोई जय श्री राम का नारा भी लगाना होता है तो सोचना पड़ता है। हाँ। वो पूरा हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी हम खुल के बोलेंगे। मतलब पूरा देश राममय बन जाना चाहिए। यस, यही आप लोग सोच रहे हैं? यस, पूरा। आपका क्या, आप क्या सोच कर आए हैं बाबा से, क्या मांगिएगा बाबा से अगर मुलाकात हो जाता है, अर्जी स्वीकार हो जाता है? हम यही मांगेंगे, पूछेंगे कि कब तक हिंदू राष्ट्र बनेगा, बस हमारा यही है प्रश्न है। यस। आप कहाँ से आए हैं? सरेंजा, बक्सर जिला से। बक्सर जिला से। क्या बाबा से अगर अर्जी स्वीकार हो जाएगा क्या मांगिएगा? बाबा से अर्जी हो कि सब सुख शांति से बीते सबका। मतलब सभी के लिए मांगने आए? सभी के लिए, अपने लिए अपने नहीं, लिए नहीं, सबके लिए, सबका भला हो तभी उसमें भी मेरा भी भला होगा। अच्छा। हाँ, सबका कष्ट दूर होगा, मेरा भी कष्ट दूर होगा। अच्छा, इतना भीड़ हुआ है, इतना जितना उम्मीद नहीं था उससे दुगना भीड़ हो गया, व्यवस्था में कोई कमी है? नहीं, कमी नहीं तो अभी दिखाई नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं। खाना मिला? हाँ, खाना खाए हैं। खाना खाए? हाँ। भीड़ भी हुआ था? हाँ, बहुत भीड़ हुआ है। हाँ। तो देखिए, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं और आकर यहाँ पे आराम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे चार दिन का बाबा का प्रोग्राम है और चार दिन लगातार और चार दिन देखना चाहते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? हम आए हैं नेपाल से। नेपाल से बहुत दूर से आए हैं, क्या कैसा लगा यहाँ आए? बहुत अच्छा लगा, बाबा का दर्शन मात्र से सब दुख नाश हो जाता है। हम लोग 8 महीना से जुड़े हुए हैं यूट्यूब से और आप 3 दिन आए हुए यहाँ पर हो गया, आप 3 दिन से यहीं पर बैठे हुए हैं, अपना दर्शन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई दिक्कत भी हुआ? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना, रहने का दिक्कत ना, खाने का दिक्कत, कुछ की दिक्कत नहीं। बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर आते आते बयान दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा थोड़े। इसे हिंदू हिंदुस्तान हिंदुस्तान है ले तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो पाकिस्तान थोड़े बन जाएगा। तो हम लोग का हिंदू हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नेपाल भी हम लोग का हिंदू राष्ट्र बनेगा, एकदम यहाँ बन जाएगा तो वहाँ भी बनेगा। बाबा फिर जा रहे हैं नेपाल में। अच्छा, इसके बाद नेपाल जाएंगे? नेपाल जून में नेपाल में जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी कितना देर रुकना है यहाँ पर? यहाँ पर तो हम लोग 17 तारीख तक रहेंगे। मतलब जब तक बाबा रहेंगे तब तक? 17 तारीख रहेंगे, 18 को चले जाएंगे यहाँ से नेपाल।
अच्छा क्या कहिएगा जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, कोई मजबूरी से हो, कुछ भी हो, नहीं आप पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों से क्या? घर से भी वो लोग अपना भी दर्शन करेगा, लोग अपना अर्जी घर पर भी लगा देगा तो उसका भी दुख नाश हो जाएगा। निश्चित है हनुमान चालीसा पाठ करे या सुंदरकांड पढ़े शनिचर को मंगलवार को, या उनसे विनती करे, एकदम निश्चित है कि उसको घर पर बैठे हुए उसका दुख नाश होगा। अच्छा आपका अगर अर्जी स्वीकार हो जाएगा बाबा के पास तो क्या मांगिएगा? मांगेंगे कि भाई अपने हमको भक्ति मिले हनुमान जी का और बाल बच्चा सब ठीक रहे, अच्छे रहे, यही मांगे, दूसरा क्या मांगेंगे। और हिंदू राष्ट्र कायम हो जाए, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कायम हो जाए, सबसे पहली मांग हमारा ये रहेगा कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान हो जाए, दूसरा हाँ उसके बाद में दूसरा क्या बोल रहे हैं? आने वाला पीढ़ी आजाद रहे हमारा। अभी हम लोग गुलाम है क्या? गुलाम नहीं है, फिर भी कम से कम हम लोग का मतलब धर्म का झंडा लहराते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अति सस्पेंस रहता है, थोड़ा सा मतलब कि आज़ादी थोड़ा सा नहीं दिया जाता है, तो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो पूरा और भी आज़ादी हो जाएगा। जो 95 राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, न होने वाली बात नहीं, एकदम होगा। बाबा का बाबा जन्म लिए हैं इसी के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब पूरा आशा है कि बागेश्वर सोरे आना आशा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जितना विरोधी है उस सब का नाश होगा, बाबा के विरोधियों का नाश होगा। ऐसा तो नहीं कि बाबा जो है कहीं राजनीति के अथी में आए हैं 2024-25 को लेके? नहीं नहीं नहीं, बाबा राजनीतिक, बाबा यहाँ आते, बाबा नहीं करते हैं राजनीतिक, तो दूसरे आदमी कर रहे हैं क्या? बाबा को यहाँ हनुमान बजरंग बली का पार्टी है, बजरंग दल का बाबा का पार्टी है, उनका दूसरा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, का कुछ कोई पार्टी से मतलब नहीं, बाबा का पार्टी है, अलग पार्टी है। हमारा हिंदुस्तान में गर्व है कि ऐसा पुरुष इस भारत में पैदा लिया अपनी माँ की कोख से, जो कि हमारा धर्म का झंडा परचम पूरा दुनिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में फहरा रहे हैं, और जब तक ये रहेंगे इस धरती पर हमारा भारत देश काफ़ी आज़ाद रहेगा, हमारा पीढ़ी भी आने वाला जनरेशन है काफ़ी खुशहाल रहेगा। बहुत लोग बाबा का जो है बाबा के नाम पर गाली गलौज भी कर रहा है, वो बेवकूफ़ लोग जो हैं जो बाबा के नाम पर गाली देते हैं वो मूर्ख लोग हैं। बोल रहे हैं कि बाबा ढोंगी है तो बाबा धीरेन्द्र है तो धीरेन्द्र शास्त्री है, बाबा के बारे में बोलते वो महापापी है, विनाश हो जाएगा। हाँ, जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तक किसी न किसी पागलों का महापुरुष, एक पागल देख रहे हैं ना कि बाबा को आने नहीं देंगे, जबकि मुस्लिम लोग का कोई विरोध नहीं है उस पर भी ये तेज प्रताप यादव वो विरोध करे, तो हिंदू रहने पे उसको शर्म आना चाहिए कि हम हिंदू रह के भी और हिंदू का बुराई कर रहे हैं, तो उसको तो यानी जाति अगर मुस्लिम संस्कृति धर्म का जो प्रचार करता है उस पर उंगली उठता ही, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसी के लिए उंगली उठता है, जो खराब काम करता है उसके लिए उंगली नहीं उठाया जाता है। हमारे बाबा अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनको उंगली उठाता है, गिराने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा हिंदू सनातन धर्म कभी नहीं झुका है और ना झुकेगा और ना कभी झुकेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए यहाँ अभी भी जो है जय श्री राम के नारा से पूरा पंडाल गूंज उठा, और लगातार लोग भी है यहाँ मांग कर रहे हैं कि बाबा हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बनाए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कॉमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।